उस प्रोग्राम के लिए जो मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है, जैसे ट्रिपल तलाक था, जैसे 45 इयर्स एज की बिना शोहर के जो हज के लिए लेडीज़ जा सकती हैं वो था, और वुमन रिजर्वेशन बिल। तो इसके लिए जो हमारा कार्यक्रम था, शुक्रिया मोदी जी, तो ये सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। जितनी भी हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो खत लिख के मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत हमारी डॉक्टर ज़ाफ़रीन जी उनको बता रही थी कि इसके अलावा भी जो हमारी सरकार की स्कीम्स हैं पर्टिकुलरली मुस्लिम वुमेन के लिए एंड और वुमेन्स के लिए, तो उसके बारे में ये प्रोग्राम था, उनके बारे में बताया गया। तो इसके साथ ही जो फर्दर भी आगे आने वाले प्रोग्राम हैं, कुछ कार्यक्रम हैं जो हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारी ये जो मीटिंग थी अंदर मीटिंग चल रही है। शुक्रिया। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने कुछ इसके कंसर्निंग कुछ सवाल अगर आपने पूछने हैं तो हमारी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़ाफ़रीन, ये आपको उसका मुझे बता देना। मुझे बता अगर सरोज ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए हैं विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तहत। हम लोग ये शुक्रिया मोदी जी अभियान पूरे राष्ट्र में हम लोग जारी किए हैं, और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष नलवा जी ने आप लोग को विशेष रूप से इस विषय में बताया है। और ये शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हमारे पूरे देश भर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हमारे समाज की हर मुस्लिम महिलाओं को हम लोग महिलाओं के तहत हम लोग शुक्र गुजार रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के। विशेष रूप से तीन विषय को लेके, पहली है कि हमारी जो तीन तलाक की प्रथा को जो आउटलॉ किए हैं उसके लिए, दूसरी है कि बगैर महरम की आज हज कर सकती हैं हमारी महिलाएं जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा है, और 2023 में ये गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के सरकार में ही ये संभव हुई है कि 4314 महिलाएं इस साल बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुए हैं। तीसरी बात है कि हमारे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% महिला के नाम पे हुए हैं, उसके लिए भी हम लोग शुक्र गुजारने चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आने वाले समय में पूरे संसद में, पार्लियामेंट में हम लोग 181 महिला देखने के लिए संभव होगा। आने वाले समय में ये संभव होगा एकमात्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार की तहत ही, क्योंकि पिछले जो 65 साल कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस शासित सरकार थी, हमने देखे हैं कि हर चीज़ बातों में ही रह जाती है, कर्म में नहीं आते थे। अपने दुकानें खोल के रखते थे वो लोग, अपने घर बनाते थे, तुष्टिकरण की राजनीति में खुद पूरे ज़िंदगी गंवा दिए उन्होंने, बिता दिए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार, कांग्रेस की 65 साल और भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में जो बदलाव लाए हैं आप लोग देख रहे हैं, आजमा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत आज कश्मीर में देखिए, खुलेआम आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, निडर होके हमारी बहनें, सारी बहनें साथ में बैठी हुई थी, आप लोग अंदर जाएंगे तो देखेंगे सारी बहनें भी साथ में हैं। यह संभव हुआ है एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सरकार के लिए। साथ ही में हमारे जो आने वाले समय हैं 2024 में जो हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग जोरदार तैयारी कर रहे हैं पूरे देश भर में, और हम आप लोग को बतलाना चाहते हैं कि हम भारी बहुमत से दोबारा मोदी जी के सरकार हम लोग बनाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी जितने बहनें, माताएं, भाई हैं हमारे मुस्लिम समाज से,
हमारे साथ में हमारे माइनॉरिटी समाज के भी जितने बहनें हैं, जितने परिवारें हैं, सभी के समर्थन मिलेंगे 2024 के चुनाव में सरकार गठन करने में और पुनर्बार मोदी जी को इस राष्ट्र के गुरु स्वरूप, इस राष्ट्र के सबसे बड़े सेवक के स्थान में फिर से रखने के लिए हम लोग सक्षम होंगे। आप आज जी देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल शुक्रिया मोदी जी के अभियान के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। और एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहीं नहीं लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक जब हमारी एक डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप आपको बोलते हैं, जब हमारी एक मैनिफेस्टो रिलीज होती है चुनाव से पहले कि कांग्रेस वाली है INDOT.D.I.ELANS जैसे नहीं है हमारी कि बस यूं ही मैनिफेस्टो डाल दिए, नहीं, हमारी मैनिफेस्टो एक रिसर्च डॉक्यूमेंट होती है। भारतीय जनता पार्टी की हर काम, हर कार्य एक रिसर्च एनालिसिस, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के बाद फॉर्मुलेट होती है। बस यूं ही अभी दिल हो गया, कर लिए, बस फिर दूसरे दिन बदला लिए, वैसे नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि सभी के जितने हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति, जो अंत्योदय के आधार पर हम लोग हमारी पार्टी चलती है, हमारे अंतिम व्यक्ति के रिक्वायरमेंट क्या है, दर्द क्या है, उसी के दर्द क्या है, जो पेन क्या है, उसी के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो रही है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समुदाय के हमारे नेता ही ज़्यादा हैं, समर्थन कर रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तहत ही बदलाव संभव हुई है। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान संभव हुई है एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि भाजपा जो है डाटा एनालिसिस पे और रिसर्च पे काम करती है, क्या आप इन 9 ईयर्स के हवाले से बता सकती हैं कि कश्मीर में अभी तक, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वुमेन की वेलफेयर के लिए इन 9 सालों में कोई डाटा आपके पास अवेलेबल है जिसमें आपने उनको एंगेज किया है या रिहैबिलिटेट किया है, कोई डाटा है आपके पास? डेफिनेटली, शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सवाल किए हैं। हालांकि मुझे खुद ही बताना चाहिए था, क्योंकि डाटा हम नेशनल पॉलिसी और रिसर्च इंचार्ज है, इसीलिए हमारे पास हर डेटा है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास पूरे रिपोर्ट है, हम आपके हाथ सौंप देंगे। साथ ही में हम आपको ये भी बतलाना चाहते हैं कि एक समय थी कि पहले जब महिलाएं अपने घर में शौहर के साथ कुछ टूटू में होती थी तो शौहर बोला करते थे तुम घर से निकल जाओ। मोदी जी के सरकार के आने के बाद वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गृह मिले हैं, हमारी माता और बहनों के नाम मिले हैं, जहाँ पे शौहर नहीं बोल सकते आप घर से बाहर चले जाइए, क्योंकि आज की तारीख में घर अपनी महिला, अपनी जो माता है उनके नाम पे घर हुए हैं। और रही बात आपकी डेटा एनालिसिस में हमारे जितने बेनिफिशरीज है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेके, जनधन योजना से लेके, बेटी बचाओ से लेके, हमारी जितने योजनाएं हैं एग्जैक्ट डिटेल ऑफ बेनिफिशरीज आपको हम दे देंगे। और साथ ही में ये भी कहलाना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना में 37% हमारे मुस्लिम बहनों को मिली, मुस्लिम समाज नहीं, मुस्लिम बहनों को, ओनली वुमेन। And I'm not just only talking about Kashmir, all over the country. और रहा बात कश्मीर के आपको और मैं ज़मीनी हकीकत दिखा दूँगी, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। मैडम, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दे दिया हमें।